हेलो एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट बबल बार। बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है और टेस्टी भी है। इसे बनाकर आप छोटे बच्चों के बर्थडे पर भी उन्हें गिफ्ट दे सकते हो। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज की ये रेसिपी हम मोल्ड के साथ बनाने वाले हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो किसी भी पॉलीथीन की बैग पर आप इसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। रेसिपी बहुत आसान है क्योंकि आज की रेसिपी हम प्रीमिक्स से बनाने वाले हैं, रेडीमेड प्रीमिक्स से। तो इस बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स, करीब हाफ कप इतना यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स लिया है। और उससे पहले मैंने टिन को भी ग्रीस करके रख दिया है और पैन को भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमने जो प्रीमिक्स लिया है उसमें हम पानी डालकर उसका बैटर बनाएंगे और इसी में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे हम रेगुलर केक के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह हम यहाँ पर भी केक को बेक करेंगे। तो यहाँ पर 35 मिनट के बाद हमारा केक बेक होकर थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है। तो इस बाउल में मैंने स्पॉन्ज को निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने गनाज को डाल दिया है। गनाज को कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जैसे हम केक्सिकल बनाते हैं उसी मेथड से यहाँ पर हम बाउल्स बनाएंगे, लेकिन हम इसकी साइज़ डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, यानी कि थोड़ा मोटा थोड़ा छोटा, इस तरह से हम यहाँ पर ये बाउल्स बनाएंगे। तो ये मेरा मोल्ड है, यहाँ पर हम चॉकलेट को मेल्ट करके इस मोल्ड में डालेंगे। आप कौन सा भी चॉकलेट ले सकते हो, डार्क, मिल्क या फिर वाइट, कर्वेचर ले सकते हो या फिर आप कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो। तो चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया है मैंने, अब इसमें हम जो बॉल्स बनाए हुए हैं वो रखेंगे। बॉल्स मैंने फ्रिज में ठंडे करके लिए हैं। तो इस तरह से सेट करने के बाद ऊपर से हम फिल्ड मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डालेंगे और यहाँ पर हमें चॉकलेट बहुत अच्छे से ज़्यादा डालना है ताकि ये सारे जो बॉल्स है एक दूसरे को चिपक जाए। अब जब तक हमारा ये चॉकलेट सेट नहीं हुआ है तब तक इस पर हम स्प्रिंकल बॉल, शुगर बॉल, जो भी आपके पास हो उससे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद आप इसे 10 मिनट भी फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको किसी को भी गिफ्ट देने के लिए रेडी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।